होगी ये आवाज़ फील हो रही है, ये अभी खेरियों की आवाज़ है, जैसे खेरी शो करा हो, खेरी की हो जाए। ये बहुत पुरानी खेरी है और ये अटक की सगावत है, बनवाई थी आई थिंक इसको 5 साल हो गए हैं और इसको कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जैद ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और हमेशा की तरह इस बार फिर से लेट, एक महीने बाद आई थी ये ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत वगैरह थी इस वजह से। अभी आई थिंक टाइम हुआ है लंच का, तो अभी मैंने सोचा है लंच करते हैं, यहाँ पे एक मिलती है शाही दाल, तो अभी फिर निकलते हैं, शाही दाल जो है मदीना ये पास ही है, तो अभी मैं शूट कर रहा था बाहर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो बाहर शूट करना इम्पॉसिबल था। सो अभी निकलते हैं, शाही दाल खाते हैं, ट्राई करते हैं, देन उसका रिव्यूज बताते हैं कैसी है। सो मैं इस वजह से वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था यार, थोड़ा डाइट माहौल था और मतलब थोड़ा डाइट माहौल में ट्राई कर रहा हूँ, बाहर का खाना खा के मैदा भी है, मतलब सोचते हैं यार क्या सीन चल रहा है। तो ये जो हलीम, मतलब जो हलीम कह लें, हम तो वैसे हलीम कहते हैं, शाही दाल जो है वो डाइट मॉल में भी आ जाती है और थोड़ा लाइट वेट होती है और मज़े की भी होती है। तो मदीना रेस्टोरेंट है ये हड्डिया चौक के, तो अटक से आई थिंक 10 मिनट का ड्राइव होगी, 10 किलोमीटर बनता है ऑलमोस्ट, तो 10 किलोमीटर की ड्राइव की दूरी में मदीना रेस्टोरेंट। और हम इसे चंद लोगों ने ट्राई भी किया होगा, इसकी शाही दाल और दूसरी जो मेन्यू है, बट मुझे इनकी शाही दाल बहुत मज़े की लगी है और जो मियाँ जी की है उनसे मतलब 19-20 का फ़र्क होगा, और अच्छा है, उनका खाना भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, ओवरऑल एवरीथिंग। सो आई थिंक अभी यार ऑलमोस्ट एक मंथ से टाइम ज़्यादा हो गया और सर्दियां भी आ चुकी हैं लेकिन बारिश नहीं आई, तो बारिश की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है, तो दुआ यही है कि बारिश जल्द से जल्द हो, निज़ाम ठीक हो, और सर्दी में जो इंजॉय वाली सर्दी होती है ना आफ्टर बारिश होती है, अभी तो मज़े वाली सर्दी नहीं है ये, तो अल्लाह करे बारिश हो जल्द से जल्द, तो सेटिंग हो जाए सही है ताकि हम अपने विंटर को एंजॉय कर सकें। ये थोड़ा रास्ता यहाँ पे ख़राब है क्योंकि ट्रक श्रक होते हैं बहुत ज़्यादा, टेम्पर शेम्पर उनका इन आउट होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा रोड यहाँ से थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर, और ये वैसे यार ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, बिजी रोड है, इन आउट है मेन, तो एक ये रोड है, एक जो नए रोड से उस साइड से जाता है चल्ला खान रोड, वो भी एक रोड है, बट ये ज़्यादा बिजी होते हैं। अच्छा इनका एनवायरनमेंट जो है ना डिसेंट सा एनवायरनमेंट है, और सर्दियों में जो एनवायरनमेंट है वो तो आपको पता है बहुत ही बेस्ट है फॉर विंटर्स, मतलब ओपन बैठने की जगह, धूप अगर आप इंजॉय करनी है धूप इंजॉय कर सकते हो, और इनका मेन्यू भी माशाल्लाह से अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। तो अभी मैंने ऑर्डर की है शाही दाल और साथ में सलाद वगैरह जो होता है, तो अभी ट्राई करते हैं शाही दाल, पहले की तरह ये टेस्ट मैंने काफ़ी पहले ट्राई की थी, तो अभी मैं आ जाया हूँ ट्राई करने, तो इंशाल्लाह वही टेस्ट होगा, लेट्स चेक इट आउट। सो शाही दाल हमारी आ गई है गर्मा गर्म, बस शाही दाल दिखाओ सही कैसी है यार लुकिंग में, इधर लेके आओ पहले, देखो हर चीज़ प्रॉपर है, और ये देसी घी में तड़का लगता है इसका, और मक्खियाँ थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि देसी माहौल है तो मक्खियाँ आसियत है, प्रॉपर दाल इसमें चिकन जो जो चीज़ जलती है प्रॉपर, इसका टेस्ट भी प्रॉपर आता है, प्रॉपर टेस्ट हर चीज़ का, दाल का चिकन का और जो देसी घी में जो तड़का लगता है उसका टेस्ट सारा आ रहा है।
मजे वाला साथ तो मस्त होता है। फाइनली ट्राई कर ली है शाही दाल, जो लास्ट मतलब जो पिछली बार जो लॉकडाउन में मैं ट्राई करता था, सेम टू सेम वही टेस्ट है अभी तक। और ये फिलहाल शाम का टाइम है और मैरियट टाउन फेज 5 थोड़ा आउटिंग के लिए मतलब इवनिंग का अगर टाइम स्पेंड करने में तो उसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को शाही दाल रिकमेंड करता हूँ वैसे यू शुड ट्राई। और मेरे ख्याल में जो मियाँ जी की है बुरान वाला उससे तो काफ़ी बेटर है शाही दाल ये वाली। और ये इस टाइम वीडियो में जो मैं आई थिंक आवाज़ आ रही होगी, ये आवाज़ फील हो रही है, ये अभी खेरियों की आवाज़ है, खेरी शो कर रहा होगी खेरी की हो जाए। ये बहुत पुरानी खेरी है और ये अटक की सगावत है, बनवाई थी आई थिंक इसको 5 साल हो गए हैं और इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट। और तो आज का व्लॉग यही फिनिश करते हैं। तो एज़ यूजल मैं इस पर फिर लेट था लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रेगुलर हो जाऊँ, जितनी जल्दी रेगुलर हो सकूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बार चैनल पहले सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे और ना ही लाइक्स आ रहे हैं। इल्तिजा है।